की रिपोर्ट। कुम्हार के चाक पर लॉक, रोजगार हुआ बंद, गरीब हुआ बेहाल। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते अपना रोजगार चलाने वाले कई कारागिरों की जिंदगी रुक सी गई है। इस लॉकडाउन की मार मिट्टी के दिए कुल्हाड़, गरीबों का फ्रिज घड़ा बनाने वाले कुम्हारों पर भी पड़ी है। जो मिट्टी के कुल्हाड़, घड़े, सुराई तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे बेच नहीं पा रहे, जिससे उनकी आजीविका चल सके। देखिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, जिनके हाथों से बनाए गए कुल्हाड़ में चाय और गरीबों का फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के घड़े का पानी भी लोग पीते हैं, पर लॉकडाउन के कारण बिक्री बंद है। जो कुम्हार इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उन पर दोहरी मार पड़ी है। बुलंदशहर का पहासू इलाका कुम्हारों के लिए बड़े कामगारों के लिए जाना जाता है। यहाँ कुम्हार कुल्हाड़ तैयार करने का काम करते हैं। काम बंद होने के बाद बताते हैं, चाक की रफ्तार से मिट्टी को आकार तो दे रहे हैं, लेकिन तैयार सामान आगे तक नहीं पहुँच रहा। ऐसे कारागर बढ़ती गर्मी में पसीना बहाकर काम तो कर रहे हैं, मगर उनके भी समस्या तैयार मिट्टी के बर्तन को बेचने की है, लिहाजा स्टॉक करना मजबूरी है। चाय पीने वाले कुल्हाड़, घड़े, सुराई, सकोरे मिल रही महंगी मिट्टी के बीच तैयार हो रहे हैं, लेकिन अब कोई माल खरीद ही नहीं रहा। इस कारण सिर्फ तैयार बर्तन घर में ही रखा जा रहा है। कुम्हारों की हालत पर प्रशासन की तरफ से भी कोई सूद लेने नहीं आ रहा है। ऐसे में अब 50 से 100 रुपए भी कमाना मुश्किल हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? पहासू। ये जो आप बर्तनों का काम करते हैं, क्या बर्तन गर्मियों में आप बिक रहे हैं? ये ना, जब से लॉकडाउन हुआ तब से बिकी ना रहे। फिर आप लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं? बहुत परेशान है, क्या करें, अब बिकी ना रहे तो कहाँ जाए, कोई काम भी ना करने के लिए। क्या नाम है अम्मा जी आपका? रामा देवी। ये जो आप मिट्टी के बर्तनों का काम करते हो, क्या ये बिक रहे हैं इस समय? लॉकडाउन में कहाँ से बिक रहे हैं, एक बर्तन भी ना बिक रहा। टीम आ रहे हैं, 600 की 500 की रोज दवाई आ रही है, इतनी परेशानी बहुत ज्यादा है कि नहीं है। हर वर्ष गर्मियों में ये खूब बर्तन बिकते थे, तो इस वक्त नहीं बिकते थे, उनसे गुजारा करते थे हम। तो इस वक्त आप अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से कर रहे हो? किस तरह से कर रहे हैं, चावल बना लें, कभी खाना बना लें, कभी चटनी वटनी से खवा दें, क्या करें, बच्चे रोते हैं, बारी बूढ़ी भगा देते हैं। एक बच्चा हमारा अब आज बड़ो है, 14 साल का, वो आगे को गिम नहीं करता है। तो सरकारी तरफ से आपको कुछ आर्थिक मदद दी जा रही है? कुछ नहीं, 14 साल का बच्चा पड़ा हमारा नाती। सरकारी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके लिए सहायता दी जाएगी, फिर आप लोगों को नहीं मदद मिली है? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हमारा नाती का राशन मिलना नहीं है, हमें और कुछ बना रहे नहीं, अपाज पड़ा है, क्या बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, कोई मदद नहीं है। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल लतीफ। आप ये बताइए, जो ये मिट्टी के आप बर्तनों का काम करते हैं, क्या ये बर्तन इस लॉकडाउन में बिक रहे हैं आप लोगों के? नहीं बिक रहे साहब, जो पैसा था हम इस बर्तनों को खरीदा है, और ये हमारा नहीं बिक रहा, गुजर बसर भी नहीं हो रहा। फिर आप लोगों के परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा है? अच्छा भी हो रहा है। क्या सरकार की तरफ से कोई आपको आर्थिक मदद मिली है? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। तो सरकार की तरफ से तो जबकि मजदूरों को, श्रमिकों को मदद दी जा रही है, फिर आप लोगों क्यों नहीं मिली है? नहीं, हमें नहीं मिला ना, हमारे पास कोई आया देने के लिए। तो आप लोग मिट्टी के बर्तनों पे ही आसरते हैं? हाँ, यही है हमारा काम। क्या नाम है आपका? मुन्नी। कहाँ के रहने वाले हो आप? पहासू के। जो आप ये बर्तनों का काम करते हो मिट्टी का? नाद कताई बिल्कुल, जब ते रोड जी चलो का है कलकुल हो जब। तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो आप लोग? चटनी मटनी ते खावा आता है, उधार सट्टे ले लेता है काल से ते, और चावल खावर रागता है काका छोटे बालक है। तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली आप लोगों को? छूना मिली है, कुछ क्या भी ना मिलो।
है।